देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं काम के सिलसिले से हैदराबाद गया हुआ था। वहां से निकलते निकलते मुझे काफी वक्त हो गया था। रात काफी हो जाने की वजह से रोड पूरी तरह से सुनसान हो गया था। रोड पर किसी का आना जाना नहीं था और उस पूरे रोड पर इकलौता मैं ही था जो उस रोड से गुजर रहा था, और ना किसी वाहन का भी आना जाना था। पर रात के अंधेरे में एक अलग ही हम सभी के मन में डर समा जाता है, पर भूत पिशाच जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने कदमों के रफ्तार को तेज करते हुए जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस स्टैंड पर पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई थी। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और मैं जिस बस से यहाँ पर आया था वो भी यहाँ से जा चुकी थी। अब ये देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी मैं इसी उधेड़ बुन में था कि तभी मुझे एक ट्रेन के हॉर्न सुनाई पड़ी। उस हॉर्न को सुनकर जब मैं मोबाइल में पता किया तो पता चला कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन है और मैं वहाँ से घर जा सकता था। फिर मैं उस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रोड पर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी और सिर्फ मुझे कीड़े मकोड़ों की ही आवाज़ें उस वक्त सुनाई पड़ रही थी। एक बार को तो ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, पर वो मेरा वहम था। रात के अंधेरे में ऐसा वहम हम सभी को अक्सर हो ही जाता है। मैं अपने कदमों की रफ्तार को तेज करते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे रोड के दाईं तरफ 3 जने खड़े दिखाई पड़े। उन्हें देखकर तो मेरे पांव वहीं पर रुक गए, क्योंकि उन्हें इतनी रात को रोड पर खड़ा देखकर मुझे अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कहीं ये गुंडे बदमाश ना हो। अब मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़ूं, पर और कोई रास्ता भी नहीं था स्टेशन तक पहुँचने का। तो मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 12 बजने को थे और ट्रेन का भी आने का समय हो रहा था, जिस वजह से मैं स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। पर अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, और जैसे ही मैं उनके नज़दीक जा रहा था तो वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और अंदर से घबराहट भी हो रही थी। मैं अपने डर को किसी तरह काबू में करते हुए आगे की तरफ बढ़ता ही रहा कि तभी उन तीनों में से किसी ने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ देते हुए वो मेरी तरफ आने लगे। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं समझ गया कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तीनों गुंडे बदमाश के जैसे दिख रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे भागते उन्होंने भी मेरा पीछा किया, पर वो मुझे पकड़ नहीं पाए। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया होता तो फिर मेरे साथ पता नहीं क्या होता। एक बार को तो मैं गिरते गिरते बचा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं उस वक्त संभल गया था और मैं सही सलामत स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पहुंचकर मेरी नज़र स्टेशन के एक बड़े से बोर्ड पर गई तो उस बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। दरअसल उस स्टेशन का नाम सिसई था, पर उस बोर्ड पर कुछ गिरा हुआ था, पर रात के अंधेरे में कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। तो उस वक्त मैंने ज़्यादा गौर ना करते हुए स्टेशन के अंदर बढ़ गया। स्टेशन के अंदर आते ही मैंने देखा कि स्टेशन पर कुछ ही लोग थे और वो स्टेशन भी बहुत ही अजीब तरह का लग रहा था। जो भी पैसेंजर या यात्री स्टेशन पर थे वो मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। उन सभी को इस तरह देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। उन सभी को इग्नोर करते हुए मैं टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर जा पहुँचा तो मैंने देखा कि टिकट काउंटर पर जो आदमी बैठा था उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और उसकी आवाज़ भी बहुत ही अजीब तरह की थी। तो मैंने कटरा जाने के लिए टिकट ले लिया और टिकट लेकर मैं वहीं एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का वेट करने लगा। इसी बीच मेरी नज़र हाथ में लगी घड़ी पर गई तो मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 12:30 बजने को थे और अभी ट्रेन को आने में 5 मिनट बाकी थे, जिस वजह से मैं फ़ोन निकाल कर कुछ देखने की सोची। पर जब मैंने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। तो मैंने फ़ोन में जो फ़ोटो थी वही सब देखने लगा। अभी मैं फ़ोन में ही देख रहा था कि तभी एक लड़की मेरे पास आकर बेंच के दूसरे छोर पर बैठ गई, यानी कि एक और वो लड़की थी और एक तरफ मैं। उस लड़की के बैठते जब मेरी नज़र उस लड़की पर गई तो उसे देखकर मैं उस लड़की के ख्यालों में खो गया, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी, जिसे देखकर मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। दरअसल उस लड़की ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसकी आँखें चाँद की तरह चमक रही थी।
अभी मैं उस लड़की को ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, तुमने कभी इतनी खूबसूरत चुड़ैल नहीं देखी। अब उस लड़की की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि क्या कहा। जिस पर उस लड़की ने बताया कि क्या तुमने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। फिर मैंने उस लड़की से कहा, मैंने तो बहुत सारी लड़कियां देखी हैं पर तुम जैसी आज तक नहीं। फिर हम दोनों आपस में बातें करने लगे कि तभी ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 12:45 हो रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया कि 15 मिनट कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और इसी बीच मैं उसे पसंद भी करने लगा था, पर क्या वो भी मुझे पसंद करती है, यही सब जानने के लिए मैं उस लड़की से बिना कुछ बोले ही ट्रेन की तरफ जाने लगा। मुझे जाता हुआ देखकर वो लड़की भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। और जब मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पर तुम लेकर चलो। उस लड़की की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि इस लड़की के मन में भी मेरी ही तरह कुछ चल रहा है। अब ये जानकर मैं बहुत ही खुश हो गया था और उस लड़की को अपने साथ घर चलने के लिए बोला, जिस पर वो मेरे साथ जाने के लिए मान भी गई। और जैसे मैंने उस लड़की को ट्रेन में चढ़ने के लिए हाथ दिया तो मेरे हाथ दे दे, उस लड़की ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा तो वैसे ही मानो उसे बिजली का करंट जैसा झटका लगा हो। उस झटके से उस लड़की ने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो पीछे की तरफ खिसक गई। उसे इस तरह देखकर जब मैंने उस लड़की से कहा, क्या हुआ, अभी मैंने इतना ही कहा था तो मैंने गौर किया कि वो बार बार मेरे गले में पहने हुए लॉकेट को देख रही थी। और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़कर देखने की कोशिश की तो वैसे ही वो लड़की पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे इतना बोलकर वो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गई। उसके अंदर जाते ही मैं भी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर कुछ ही पैसेंजर थे जो बहुत ही अजीब तरह के थे, जो मुझे ही देख रहे थे। पर मैं उन्हें अनदेखा करके उस लड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ट्रेन भी हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल पड़ी। तो मैंने उस लड़की से कहा, क्या हुआ, पर उस लड़की ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, पर वो बार बार मेरे लॉकेट को देख रही थी। उस लड़की के साथ मेरा इतना समय बीत गया पर मैंने अभी तक उस लड़की का नाम तक नहीं पूछा था। तो मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अंजू बताया। उस लड़की के इतना कहते ही ट्रेन की बोगी की लाइट ब्लिंक करने लगी। लाइट को ब्लिंक करता हुआ देखकर मैंने अंजू से कहा, अब क्या हो गया। मेरे इतना कहते ही लाइट भी बंद हो गई। लाइट के बंद होते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि अंजू भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो मैंने अंजू को आवाज़ दी पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं अंजू की सीट की तरफ अपना हाथ फेरने लगा और जैसे मैंने अंजू की सीट की तरफ अपना हाथ फेरा तो वैसे ही लाइट ऑन हो गई। लाइट के ऑन होते ही फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं हैरान ही हो गया। दरअसल मैंने देखा कि बोगी के अंदर कोई भी नहीं था, ना तो अंजू थी और ना ही तो वो पैसेंजर थे जो यहाँ पर कुछ देर पहले बैठे हुए थे। उन सभी को ना देखकर मेरे मन में अजीब तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। और सबसे हैरान की बात तो ये थी कि अंजू भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो मैं अंजू को आवाज़ देते हुए पीछे की बोगी की तरफ जाने के लिए मुड़ा और वैसे ही फिर से अचानक से लाइट बंद हो गई। लाइट के बंद होते ही फिर से आँखों के सामने अंधेरा छा गया। और जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ा तो वैसे ही मेरा पैर किसी से जोर से टकरा गया और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो वैसे ही लाइट ऑन हो गई। लाइट के ऑन होते ही मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ को सुनकर मैं हैरान हो गया कि बोगी में कोई भी नहीं है, तो फिर ये किसकी हंसने की आवाज़ है। और जब मैंने उस ओर देखा तो उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरा सर चकराने लगा। दरअसल मैंने देखा कि अंजू उसी सीट पर थी जहाँ पर वो बैठी थी और मुझे देखकर वो हंसे जा रही थी और साथ ही वो पैसेंजर भी जो इस बोगी में बैठे हुए थे। इन सभी को देखकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जो मैंने देखा वो क्या था। यही सोचते हुए मैं अपने हाथ से घुटनों को पकड़कर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। दरअसल गिरने की वजह से मेरे घुटनों में चोट आ गई थी और अभी भी वो पैसेंजर मुझे ही देखकर हंसे जा रहे थे। अभी मैं उन्हें ही देख रहा था कि तभी अंजू ने कहा कि तुम नीचे कैसे गिर गए। अंजू के इतना कहते ही मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी और फिर उसने बताया कि लाइट बंद होने के बाद तुम नीचे गिर गए थे और फिर जब लाइट आई तो मैंने देखा कि तुम नीचे गिरे पड़े थे। उसकी ये बात सुनकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जो मैंने कुछ समय पहले देखा था वो क्या था।
सच था या फिर ये कोई मेरा वहम। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी अंजू आकर मेरे पास बैठ गई। बैठते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अंजू के हाथ पकड़ते मेरे शरीर में एक सनसनी सी मच गई और देखते ही देखते वो मेरे पास आ गई। पास आते वो मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। उसे इस तरह पास आता हुआ देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे अंजू मुझे किस करने वाली थी कि तभी मेरी आंख खुल गई। आंखें खुलते ही फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी चीख निकल गई और मैं अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा। दरअसल जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा कि अंजू का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो रखा था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि उसकी आंखें दोनों ही लाल थी और उसके चेहरे पर बहुत ही सारे कट थे, जिससे वो और भी ज़्यादा भयानक दिख रही थी। उसका ये भयानक रूप देखकर मैं सीट से नीचे गिर पड़ा और मैं वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए दूसरी बोगी में आ गया। फिर दूसरी बोगी में आते ही मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर दो चार पैसेंजर थे, वो भी अपना सर नीचे की तरफ करके बैठे थे। मुझे इस तरह चीखता चिल्लाता हुआ देखकर उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अंजू का ये भयानक रूप देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक चुड़ैल है। यही सोचते हुए मैं उन पैसेंजरों को अंजू के बारे में बताने जा रहा था कि तभी उनमें से एक पैसेंजर ने मेरी ओर देखा। उसे देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे थे। दरअसल मैंने देखा कि उस पैसेंजर का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उस पैसेंजर का ये भयानक रूप देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अभी मैं डरा से मैं उसे ही देख रहा था कि तभी किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी और उस आहट को सुनकर जब मैंने उस ओर देखा तो वो लड़की आ रही थी, यानी कि वो चुड़ैल आ रही थी। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं जैसे ही वहाँ से भागने वाला था कि तभी वो पैसेंजर मेरे सामने आ गया और उसे देखकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कि तभी जो पैसेंजर बैठे थे वो भी मेरी तरफ देखने लगे और फिर जब मैंने उन्हें देखा तो वो भी उसी पैसेंजर की तरह थे जो मेरे सामने था और उन सभी की शक्ल भी बहुत ज़्यादा भयानक थी। उन सभी को देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसानों की ट्रेन नहीं बल्कि एक भूतों की ट्रेन है। शायद वो तीनों मुझे इसी के बारे में बताना चाह रहे थे कि वो भूतिया स्टेशन है, पर मैं उन सभी को कुछ और ही समझ रहा था। अगर मैं उनकी बातें सुन लेता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने मुझे एक लॉकेट पहनने को दिया था। उसे पहनने के बाद मुझे भूत प्रेत कुछ भी नहीं कर सकते और जब मैंने अपने गले में हाथ फेरा तो वो लॉकेट गले में नहीं था। गले में लॉकेट को ना देखकर अब मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वही एक ऐसा लॉकेट था जिससे मैं इन सभी से बच सकता था। फिर मुझे याद आया कि जब मैं नीचे गिरा था तब शायद वो लॉकेट वहीं पर गिर गया होगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उस पैसेंजर ने मेरा गला पकड़ लिया और उस पैसेंजर के गला पकड़ते ही मैं उससे अपना गला छुड़ाने लगा। अभी उस पैसेंजर से मैं अपना गला ही छुड़ा रहा था कि तभी वो चुड़ैल मेरे पास आ गई और पास आते ही उसने उस पैसेंजर से मेरा गला छोड़ने के लिए कहा। चुड़ैल के इतना कहते ही उस पैसेंजर ने मेरा गला छोड़ दिया। गले के छोड़ते ही जब मैंने उस चुड़ैल की ओर देखा तो वो फिर से पहले जैसे हो गई थी। तो मैं उस चुड़ैल से रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा कि मुझे यहाँ से जाने दो, जिस पर उस लड़की ने मुझसे कहा मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस लड़की की ये बात सुनकर मैंने उस लड़की से कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेरे इतना कहने पर वो लड़की मेरे पास आने लगी और मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। उसे अपने पास आता हुआ देखकर मैं पीछे की तरफ खिसकने लगा कि तभी जो मेरे पास पैसेंजर था उसने मुझे पकड़ लिया। उस लड़की की यह हरकत देखकर मैं समझ गया कि इस लड़की की नीयत अच्छी नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उस लड़की यानी कि उस चुड़ैल ने कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो, नहीं तो अभी तक तो तुम मारे गए होते। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था। अब तो शायद मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। मैं डर से बुरी तरह से कांप रहा था और वो चुड़ैल मुझसे चिपकती जा रही थी, यानी कि पास ही आती जा रही थी। मुझे इस तरह डरा सहमा हुआ देखकर उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद यहाँ से सही सलामत जाने दूंगी। पर उसकी बातों से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे जाने देगी। इतना बोलकर वो मुझे अपने साथ आने के लिए कहने लगी। वो उसी बोगी की तरफ जा रही थी जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, तो मैं ये सोचकर उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा कि शायद वो लॉकेट मिल जाए। अब ये सोचकर मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा और जो आदमी उस लड़की के साथ थे वो वहीं पर रुक गए जहाँ पर वो खड़े हुए थे कि तभी वो पैसेंजर मेरे पीछे आने लगा जिसने मेरा गला पकड़ा था
और जैसे मैं उस बोगी में पहुंचा तो वैसे मेरी नज़र लॉकेट पर गई जो सीट के नीचे गिरा हुआ था। उस लॉकेट को देखकर मेरी थोड़ी उम्मीद जगी कि मैं शायद यहाँ से अब बचकर निकल सकता हूँ। और जैसे मैं उस लॉकेट को उठाने वाला था कि तभी उस लड़की ने मेरी तरफ पलट कर देखा तो उसकी नज़र उस लॉकेट पर गई। तो मैंने वैसे वो लॉकेट उठा लिया और जैसे मैंने उस लॉकेट को उठाया तो वैसे वो लड़की अचानक से मेरे पास आ गई और मेरा गला पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर वो मुझे छू नहीं पा रही थी। जैसे ही वो मुझे टच करने की कोशिश करती तो उसे जोर का झटका लगता। फिर मैंने उस लॉकेट को गले में पहन लिया और जैसे उस लड़की को झटका लगा तो वो अपने असली रूप में आ गई। असली रूप में आते ही अजीब तरह की आवाज़ निकालने लगी और गुस्से से मुझे घूरने लगी। फिर उसने कहा कि अब तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते। उसकी यह आवाज़ सुनकर जो दूसरी बोगी में पैसेंजर थे वो भी मेरे पास आ गए और पास आते ही उन्होंने जैसे मेरा हाथ पकड़ा तो वैसे उन्हें भी एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरे। अब मुझे कोई भी छू नहीं पा रहा था। जो भी मुझे छूने या पकड़ने की कोशिश करता तो उसे बहुत ही जोरों का झटका लगता और वो दूर जाकर गिरता। पर दोस्तों, अब मुझे ट्रेन के रुकने का इंतज़ार था। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारा मरना तो तय है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक ट्रेन नहीं रुकेगी। अब मैंने उसकी ये बात सुनकर चलती हुई ट्रेन से कूदना ही ठीक समझा, क्योंकि इनके हाथों से मरने से तो बेहतर है कि मैं ट्रेन से नीचे कूद जाऊँ। यही सोचकर मैंने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। ट्रेन से नीचे कूदते ही मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं ट्रेन की पटरी के पास में था। फिर मैं वहां से उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगा और कुछ दूर जाने पर मुझे वहां पर एक रोड दिखा। मेरे सर में चोट लगने की वजह से मेरा सर घूम रहा था, पर जैसे तैसे करके मैं रोड पर पहुंचा और फिर मैं वहां से बस पकड़कर अपने घर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।